क्या आप एक पावरफुल पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग कर सकें? तो आज मैं आपको 1 लाख के अंदर अंदर एक पावरफुल पीसी बिल्ड करना बताऊंगा। कौन सा प्रोसेसर, मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए जो सबसे बेस्ट होंगे, वो आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो रिसेंटली मैंने एक गेमिंग पीसी बिल्ड करवाया है, उसके अंदर वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन जैसी सारी चीज़ें हो सकती है। स्क्रीन पर आप फोटोज़ देख सकते हो। तो इसमें मैंने कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदरबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सीपीयू का। तो कौन सा मदरबोर्ड लगवाना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैंने चुना है MSI का B760 गेमिंग प्लस वाईफाई मदरबोर्ड। इससे सस्ते मदरबोर्ड भी आपको मिलेंगे। MSI का बॉम्बर करके एक मदरबोर्ड आता है, 12 से 13 हज़ार रुपये का होता है, लेकिन उसका जो पावर है वो बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पे मैंने 6800 MHz का ये यहाँ पे जो मदरबोर्ड है उसको चुना है। इसमें आप इंटेल के 12th और 13th जनरेशन के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो आप लगा सकते हो। i3, i5, i7 सब सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इसके अंदर इनबिल्ड आपको वाईफाई मिलता है, जिससे कि आपको अडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। M.2 जनरेशन 4 का मदरबोर्ड है, और इसके साथ ही अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो ये DDR5 है। इसमें DDR5 सपोर्ट करता है। जो लेटेस्ट अगर आपको रैम लगानी है तो वो लगा सकते हो। DDR6 अभी इसमें नहीं है, DDR5 है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो लगभग ये 19 से 20 हज़ार रुपये में आपको मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक से इसको परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेज़न का लिंक दे रखा है, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसकी रेटिंग 4.3 स्टार है, तो काफ़ी बेस्ट रेटिंग इसको मिली है। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलूँ तो वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर अब आपको कौन सा लगाना चाहिए वो बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने चुना है इंटेल का कोर i5 12600K। इसका मतलब ये है कि ये 12th जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन ये K सीरीज़ का है। K सीरीज़ का मतलब ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, और इसके अंदर आप देखोगे कि अप टू 4.9 GHz इसके अंदर आपको स्पीड मिलती है, क्लॉक स्पीड। यानी कि ये इंटेल का जो प्रोसेसर है वो 4.9 GHz तक का पावर दे सकता है। मतलब निचोड़ के जितना पावर ये दे सकता है वो 4.9 GHz तक का देगा। लगभग ये 24 हज़ार रुपये का प्रोसेसर है। ऑफलाइन लोगों से थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे i5 को ही क्यों चुना है, हम i7 भी ले सकते हैं ना। तो आइए उसका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये रहा इंटेल का i7 12th जनरेशन का, ये 12700K है, ये भी K सीरीज़ का है। इसमें अप टू 5 GHz का आपको क्या मिलता है, क्लॉक स्पीड मिलती है, जो कि अनलॉक है। यानी कि ये जितना पावर खींच के दे सकता है वो देगा। अब इसके अंदर दिक्कत ये आ रही है कि ये 32 हज़ार रुपये का है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये i5 23 हज़ार रुपये का है। अगर आप 24 हज़ार देखा जाए तो 7-8 हज़ार रुपये का इसमें फ़र्क आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे स्क्रॉल करने के बाद में, यहाँ पे जो आप देखोगे प्रोसेसर इसके अंदर कितने हैं, तो 10 प्रोसेसर हैं। i7 के अंदर आप देखोगे तो लगभग 12 प्रोसेसर होंगे। ये यहाँ पे प्रोसेसर 12 है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे जो प्रोसेसर की स्पीड है वो i5 के अंदर 3.7 GHz मिल रही है, जो कि आपको सिस्टम के अंदर दिखेगा, लिखा हुआ आएगा 3.7 GHz तक की ये क्लॉक स्पीड दे सकता है। अप टू तो 4.9 है, लेकिन लिखा हुआ कितना मिलेगा 3.7 GHz का। लेकिन वहीं अगर i7 की बात करें तो इसके अंदर अगर आप देखोगे क्लॉक स्पीड तो 3.6 दे रखी है, यानी कि i5 से भी कम है। उधर इसने एक 0.1 बढ़ा दिया, मतलब कि 5 GHz कर दिया अनलॉक करके, और हमसे 8 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लिए। प्रोसेसर उसके अंदर 12 हैं, i5 के अंदर 10 ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में से बेस्ट i5 का 12 जनरेशन है, K सीरीज़ का। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि प्रोसेसर तो और भी सस्ता मिल सकता है, 24 हज़ार का नहीं, ये हमें 15 हज़ार में भी मिल रहा है, लेकिन उसमें सीरीज़ अलग होगी। उसी प्रकार से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा देखो i5 का 13 जनरेशन है ना। मैं अभी आपको 12 जनरेशन बता रहा था, लेकिन ये है 13 जनरेशन। लेकिन सीरीज़ कौन सी है, F सीरीज़ है। F सीरीज़ में ये आपको कितना मिल रहा है, 20 हज़ार में मिल रहा है। यानी कि वो 12 जनरेशन में था और ये आपको 13 जनरेशन में 20 हज़ार में मिल रहा है। लेकिन इसकी क्लॉक स्पीड काफ़ी कम है। इसमें लिख तो दिया है अप टू आपको 4.6 GHz मिलता है, लेकिन अगर आप स्क्रोल करोगे यहाँ पर आप देखोगे प्रोसेसर की स्पीड तो ये कितनी है, 2.5 GHz है।
कहने को ये i5 है लेकिन इसकी स्पीड लगभग i3 से भी कम होगी, इसीलिए इस सस्ते प्रोसेसर को मैंने इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताया है। F सीरीज का है इसलिए ये सस्ता है, लेकिन K सीरीज वाले जो प्रोसेसर होते हैं ये महंगे होते हैं। तो यहाँ पे i7 और i5 ये दोनों हैं, इनमें से i5 सबसे बेस्ट है, आप इसको ले सकते हो। रेटिंग इसकी 4.8 है, 24,000 इसका प्राइस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, आप मेरे लिंक से भी इसको परचेज कर सकते हो, अगर घर पे असेंबल करना है तो भी कर सकते हो, एक एक चीज सारी बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अब करते हैं हम ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड जितना आप बेस्ट लगाओगे उतना आपके पीसी को ये बहुत अच्छे से रन कर पाएगा। वीडियो एडिटिंग गेमिंग करना है तो पीसी हैंग नहीं करेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे चुना है गीगाबाइट का जीफोर्स RTX 3060 ग्राफिक कार्ड। ये 12 GB का ग्राफिक कार्ड होता है, DDR6 है ना। DDR5 का मदरबोर्ड लोगे तो DDR6 भी सपोर्ट करेगा, DDR4 का मदरबोर्ड लोगे तो DDR5 सपोर्ट करेगा, DDR5 का लोगे तो DDR6 वाला सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग 27,000 रुपये है, 12 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड होता है, जिसमें आप गेमिंग वगैरह वीडियो रीडिंग के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस ये देगा। अब अगर इसको आप ऑफलाइन लोगे तो ये 25,000 तक मिल सकता है, ऑनलाइन इसकी रेट ऑफर में कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो अब आपको लगानी होगी रैम। देखो अलग अलग रैम आती है, कोई रैम आपको 2,000 रुपये की भी मिल सकती है और कोई रैम आपको 4,000 की भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावरफुल पीसी की। तो यहाँ पे मैंने 16 GB की रैम चुनी है, जी स्किल की आपको रैम लेनी चाहिए 16 GB की, DDR5 है, लेकिन इससे सस्ती रैम भी आती है। लेकिन ये इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको 5600 MHz की पावर ज़्यादा मिलती है, आपको 5200 MHz वाली और 4800 MHz वाली क्या मिलती है रैम मिलती है, जो कि बहुत ही लो होती है, उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। इसकी ज़्यादा है और पावरफुल है इसलिए इसको चुना है। 5800 रुपये में ये मिल रहा है, ऑफलाइन ट्राई करोगे और सस्ता मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हम SSD की बात कर रहे हैं। तो SSD देखो एक तो आती है WD की ब्लू ग्रीन वाली आती है और एक आती है ये ब्लैक। तो ब्लैक वाली सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी, सबसे बेस्ट है और इसकी स्पीड जो होती है अप टू ये 5000 MB तक प्रति सेकेंड की स्पीड देता है। जबकि अगर आप दूसरे कोई भी SSD लोगे या ब्लू वाले लोगे, WD ब्लू की लोगे, तो उसमें लगभग वो 4000 से 5000 के बीच में, मतलब स्पीड कम है उसकी, जो कॉपी पेस्ट वाली स्पीड आप देखते हो वो कम आती है। और एक WD ग्रीन वाली आती है वो तो 500-600 MB की स्पीड निकालता है। तो SSD के अंदर आपको बेस्ट SSD लेनी है तो WD की ये वाली ब्लैक वाली ले सकते हो, 4.6 इसकी आपको रेटिंग देखने को मिलेगी, 7000 का ये आपको SSD मिलता है 1TB का, तो ये आप ले सकते हो, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको लेना है अब पावर सप्लायर। देखो पावर सप्लायर के अंदर भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि जब इलेक्ट्रिसिटी में कुछ दिक्कत आया तो सबसे पहला आपका पावर सप्लायर जाएगा और ख़र्चा ज़्यादा बैठेगा। तो इसीलिए पावर सप्लायर आप सबसे बेस्ट वाला लो, ताकि अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो वो झेल सके। यहाँ पे कूलर मास्टर का एक MWE 650 करके ये पावर सप्लायर है, लगभग ये आपको 5000 का मिलता है। नॉर्मली पावर सप्लायर 3-4000 रुपये के आते हैं, ये सबसे महंगा है क्योंकि पावरफुल है। इसको आप लगा देना, ये लगभग 650 वाट का है, लगभग सभी ऐसे ही आते हैं लेकिन इसमें पावर ज़्यादा है, बेस्ट है, मतलब वर्जन 2 है ये, इसको आप ले सकते हो, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट देखो गेमिंग कैबिनेट लेना है या नॉर्मल कैबिनेट लेना है, गेमिंग वाला लोगे तो ही सेट होगा इसके अंदर, क्योंकि हमने सारी पावरफुल चीज़ें लगाई है। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कैबिनेट में आपको बता रहा हूँ, ये तो है आंट स्पोर्ट का, ये 112 मिड टावर केस आपको मिलता है, मतलब कैबिनेट है ये 4000 का आसपास में, देखो 3800 है, ऑफलाइन लोगे 3500 में मिल सकता है। सबसे ज़्यादा इसको लोग परचेज़ करते हैं। और अगर आप इसका भी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई कार्ड पे क्लिक करके वो आप वीडियो देख लेना, सारी जानकारी मैंने उसके अंदर इस ये जो कैबिनेट है इसकी दे रखी है। अगर आपको ये कैबिनेट पसंद नहीं आ रहा है और दूसरा लेना है तो एक ये आंट ई स्पोर्ट का एक और दे रखा है 1100 मिड टावर, ये 2400 रुपये का है और फोटो इसके आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट अब हमें एक कूलर फ़ैन लेना है जो कि हमारे CPU को ठंडा रख सके। तो बहुत सारे कूलर फैंस आते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने चुना है कूलर मास्टर का हाइपर 212 मॉडल। ये एक CPU कूलर है, वैसे तो गेमिंग कैबिनेट अगर आप लोगे तो 3 से 4 उसके अंदर फैंस मिलते हैं, लेकिन अलग से लगवा दो ताकि और बेस्ट रह सके। 1500-2000 में मिलते हैं लेकिन ये वाला काफ़ी पावरफुल है और बेस्ट क्वालिटी है, इसीलिए ये 2200 रुपये में मिल रहा है। मॉडल नंबर कूलर मास्टर हाइपर 212 है,
लिक्विड कूलर भी आते हैं, लेकिन ये वो वाला नहीं है। ये वाला लीजिए, बहुत बढ़िया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है। अब हम अगर बात करें कीबोर्ड माउस की, तो कीबोर्ड माउस में आप जेब्रोनिक, एंड स्पोर्ट, HP इनका आप कीबोर्ड माउस ले सकते हो अगर आपको गेमिंग में लेना है तो। जेब्रोनिक ट्रांसफॉर्मर का भी मैंने एक रिव्यू कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो आई कार्ड पर क्लिक करके। रिसेंटली अभी हमें एंड स्पोर्ट का भी कीबोर्ड माउस लिया है, उसका भी आप स्क्रीन पर ये थंबनेल और वीडियो का आप लिंक आई कार्ड के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं आपको और सर्च करके बता देता हूँ, अमेज़न या फिर कहीं पर भी सर्च करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जेब्रोनिक के ही कीबोर्ड मिलेंगे, कीबोर्ड माउस सबसे सस्ता ये आता है। और ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात कर रहा था तो ये 1200-1300 रुपये का आता है। उसके बाद में यहाँ पे ये एंड स्पोर्ट का कीबोर्ड माउस आता है, सस्ता वाला है। थोड़ा अगर आपको महंगा करना है तो 1500 रुपये तक आपको किसी भी कंपनी के गेमिंग कीबोर्ड माउस मिल जाते हैं नॉर्मली। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, एनिमेशन के लिए भी पीसी बिल्ड करना है या वीडियो एडिटिंग के लिए भी करना है, तो ये सारे जानकारी दे दी, ये सबसे बेस्ट वाले हैं। इससे पीसी अच्छा बिल्ड आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। जितना हो सकता है फ्रेंडली होकर सारी चीज़ आपको बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। सारे प्रोडक्ट अगर परचेज करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप मेरे लिंक से भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई राय है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं जानकारी आप तक पहुंच सके। अलविदा, नमस्कार।